नमस्ते, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में। और आज 10-12 दिन बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। एक्चुअली पेंट का काम हमारे यहाँ चलता है तो मैं थोड़ी सी एलर्जिक हूँ, अस्थमा हो गया था मुझे, तो ध्यान ही नहीं दे पाई हूँ किचन गार्डन पर, वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ, पानी भी कई बार बच्चे लोग ही दे जाते थे। तो अब वापस आई हूँ तो ऑब्वियसली 10-12 दिन बाद देना, काफ़ी काम फैला हुआ है किचन गार्डन में और सर्दी की सब्जियों की तो बैंड बजी हुई है मेरे। पर फिर भी मेरे जो ये एनुअल प्लांट्स हैं पेरेनियल वाले, वो काफ़ी अच्छा है ना रिजल्ट देते हुए। अभी भी डीजल प्लांट है ये जिसमें फ्लावर दिख रहे हैं रेड रेड। अब सर्दियों में ये सब बंद हो जाते हैं हालांकि, पर अभी सर्दियाँ बस हल्की सी शुरू ही हुई हैं सुबह शाम की, तो थोड़े बुरे हाल तो देखने को मिलेंगे ही किचन गार्डन के। पर कुछ अच्छा भी है जो मैं आज आपको अपने इस ओवरव्यू में दिखाती हूँ। ये देखो, जो लोग जुड़े हुए हैं पुराने उनने देखा है, ये बेर का पेड़ मैंने ना मंगाया था एग्जॉटिक फ्लोरा से छोटा सा। और अब ये देखो आप, एक साल तो अभी शायद इनको फरवरी में होगा और कितने अच्छे बेर बनने लगे हैं इसमें, हर डाल पर अच्छे फ्रूट्स बने हुए हैं और अब बड़े भी होने लगे हैं कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा अब इन पे। कुछ हिस्सा तो खैर पक्षियों का होता है, तो ये एक अच्छी खबर है कि फ्रूट प्लांट्स फ्रूट्स देने लगे हैं अब। और ये फालसे का भी अच्छा बढ़ रहा है, मेरे को बहुत इंतज़ार है इसमें कब फालसे आएंगे। मैंगो ट्रीज़ तो मेरी छत के लिए शायद बने ही नहीं है, हर किसी में यही सेम प्रॉब्लम होती है। और ये कनेर का बहुत ही प्यारे लगते हैं इसके फ्लावर्स मुझे। इसमें फिर से अब ये सारे गुच्छे ख़त्म हो चुके हैं तो नए फ्लावर्स आने लगे हैं। और कुछ सब्जियां लगी हुई हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है जो मैंने लगा दी थी, ठीक से चल रही हैं। टमाटर अब आने लगे हैं जो बरसात में या बरसात के बाद मैंने जो लगाए थे सितंबर में। और नींबू देखो, आपको दिखाती हूँ इसमें कैसे नींबू आते हैं। अच्छा प्लांट है ये मेरा, देखो इतने गुच्छे में नींबू लगे, देखे आप लोगों ने कहीं एक साथ लगे हुए हैं 10-12 नींबू और सब अच्छे बढ़ रहे हैं। धूप की पहली किरणें अभी पड़ने ही लगी हैं प्लांट्स में, कितने सुंदर लग रहे हैं सब। यहाँ पे मैंने ये कैप्सिकम लगाई थी, हमेशा की तरह पत्ते मुड़ने वाली प्रॉब्लम होने लगी है इनमें, कुछ छाछ वगैरह स्प्रे करूँगी अब। राखी बेल ने तो मुझे इतने फूल दिए हैं इसने, कृष्ण कमल ने तो पूरी है ना इसकी कीमत वसूल हो गई है। आइए, तब से ये हर रोज़ है ना फ्लावर देते हैं और फिक्स बनने लगे हैं अब। हालांकि मैं फ्रूट प्लांट्स की भी पुराने वालों की ज़्यादा केयर नहीं कर पाई हूँ इस बार। टमाटर ठीक चल रहे हैं, कुछ 5-7 जो मैंने उस टाइम पे लगाए थे आने लगे हैं अब इनमें भी सॉरी। इसके अलावा गोभी की हालत जो मैंने नहीं लगाई थी, ब्रोकली लगाई थी मैंने ज़्यादातर, उसकी हालत ख़राब है क्योंकि मोर ऊपर आना कम हो गया मेरा, तो है ना बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। देखो ये पौधे, एक तो खरपतवार ही काफ़ी निकल आई है इनमें और है ना ऊपर से गोभी तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। ये देखो आप, बड़ी बड़ी, पहले बड़ी वाली नहीं खाते थे गोभी, अब तो बड़ी में भी हालत ख़राब करनी शुरू कर दी उन्होंने, गंजे कर देते हैं बिल्कुल प्लांट्स को और फिर क्या गोभी आएगी उसमें। यहाँ पर मैंने पालक और धनिया एक दिन बीच में डाल दिया था और पालक और धनिए से ज़्यादा मुझे खरपतवार नज़र आ रही है इसमें, आ तो गया है थोड़ा। कुछ टमाटर मैंने पौध बची हुई थी जो लगा दिए, ये देखो गोभी की, ब्रोकली की क्या हालत की है। और अब वो पीछे ही रहने लगे हैं कुछ मोर हमारे यहाँ पे, तो बस है ना वो सुबह शाम दोपहर कभी भी आते हैं, वो सारी गोभी मेरी है ना ख़राब कर चुके हैं, तो अब मुझे एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी।
अपराजिता के मेरी तीनों बेल बहुत अच्छी बढ़ रही थी और वहाँ से एक बेल को मोर ने गिराया स्टैंड पर से, तो गमला वो टूटा, तो अब मैंने ये सोचा है कि तीनों ये बड़े वाले पॉट में मैं एक साथ लगा दूँगी। अडेनियम में बड़े अच्छे फ्लावर आ रहे हैं, इनकी भी बेकदरी हो रही है, मुझे सब शिफ्ट करने हैं, ये छोटे छोटे पॉट्स में मैंने ना शिफ्ट कर दिए थे जो मैंने लगाए थे नए। देखो आप कितने सारे निकले हुए थे, पूरे तो लगा भी नहीं पाई हूँ मैं अभी, तो इनको भी मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। गोभी ख़त्म कर चुके हैं, ब्रोकली बिल्कुल, अब मैं मूली गाजर वगैरह लगाऊंगी, काफ़ी लेट हो गया है मुझे, पर मूली तो जल्दी से तैयार हो जाती है। और ये फ्लावर्स के लिए मैंने तैयार किए हुए थे पहले पॉट्स, तो अगर अब मैं बीच से नहीं लगा पाई तो अपने ना नर्सरी में जाके और पौध ले आऊँगी मैं, अब ये करने वाली हूँ। फ्रूट प्लांट्स अच्छे चल रहे हैं, अनार फिर से जमने लगे हैं बढ़िया, हालांकि इतने बड़े हो रहे थे प्लांट्स कि मेरा मन था एक कटिंग दे दूं, पर अब इनमें फ्रूट बनने लगे हैं तो है ना बाद में ही दूंगी। ये देखिए ब्लैक वाला गुआवा फिर से अच्छे आ रहे हैं इसमें, प्लांट भी अच्छा बड़ा है ये। और हल्दी अब तैयार होने लग गई है, तो ये देखो कुछ गांठें ऊपर जो आ जाती हैं ना पानी देते हैं तो उसमें बनने लगी है हल्दी अच्छी। इसमें होप करती हूँ कि है ना अच्छी मिलेगी इसमें हल्दी मुझे। इस अमरूद में कुछ अमरूद जमे थे वो पक्षी खा चुके हैं, और है ना अभी मैं देखती हूँ और जमते हैं तो कुछ सर्दियों के, नहीं तो मैं इसकी कटिंग करूँगी, बहुत बढ़ रहा है ये प्लांट मेरा। अभी मैं बीच में आप लोगों को दिखा नहीं पाई, मैंने निकाल ली थी, और ये देखो कल मिट्टी में से और कुछ छांटी गई हैं बच्चों द्वारा। एक 1.5 किलो ही निकली थी उसमें मेरे, पर है ना निकल गई थी जल्दी, मैंने थोड़ा आटा लिया था सफाई के चक्कर में, वो फट गया था मेरा जो जिस कार्टन में मैंने लगाई हुई थी अरबी। तो और ये हल्दी एक और टंकी में तैयार होती हुई, ये मैंने सब कलम से लगाए थे गेंदे, तो सब लग गए हैं, ये शिफ्टिंग करूँगी। सबसे अच्छी बात देखो मेरे स्ट्रॉबेरी के बीज निकल आए हैं। चलो तो मेरे को थोड़ा शक था कि बीज से निकलेंगे कि नहीं, पता नहीं प्लांट्स, पर निकल तो आए हैं, अब आगे इनका क्या होता है ये देखा जाएगा। गेंदे का मेरा जंगल बिल्कुल लुढ़क पड़क हो गया था, बांधे हैं अब मैंने तार से कुछ, तो अपने ही बोझ से गिरते चले जाते हैं अगर आप इनको है ना बढ़िया स्टेकिंग ना करें या फिर बांध बूंद के तैयार ना करें तो। तो सबको मैंने ना कुछ जो बड़े थे प्लांट्स उनको बांधा है, हल्की कटिंग करके अब इनको खड़ा कर दूँगी मैं। गोभी अगेती वाली बहुत ही मन भर के खुश हो के पिछले 1.5 महीने से हम लोग खा रहे हैं, और अभी भी काफ़ी बची हुई हैं। तो फूल गोभी खाने का तो है ना पूरा है ना कर लिया है हम लोगों ने, ये तैयार है, इसको तोड़ते हैं आज कोटा अपना। और फूल गोभी की जो नई पौध मैंने लगाई थी वो मोर खा गए हैं सारी, तो या तो मैं नर्सरी से ला के लगाऊँगी अब पौध। और पत्ता गोभी की मेरे पास तैयार है, देसी वाली है, F1 वाली है और पर्पल वाली है। पत्ता गोभी की तो बचा ली थी मैंने यहाँ बीच में रख के, तार वगैरह लगे हुए हैं इसमें। फूल गोभी की सारी मोरों ने ख़त्म कर दी है, और ब्रोकली लगाई खाने में लगे हुए हैं वो। गोभी देखो अभी भी है इनमें काफ़ी, तो गोभी अच्छी खाई हम लोगों ने अगेती वाली। ये देखो इसमें भी दांत मार दिया उन्होंने, प्लांट को बड़ा ख़राब तरीके से खाते हैं मोर, बिल्कुल है ना पत्तियां गंजा सा कर देते हैं बिल्कुल। तो ये तोड़ लेते हैं एक तो हम लोग, टमाटर और गोभी मुझे अभी भी है ना मिल रहे हैं अपनी किचन गार्डन से कुछ कुछ। मेरा किचन गार्डन मेरा अन्नपूर्णा है बिल्कुल, कुछ ना कुछ वापस लौटाता ही है मुझे। इसमें मैं आलू लगा दूंगी अब, बड़ा सा ये वो बैग है, अच्छे हो जाएंगे इसमें आलू। तो बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों के कमेंट्स का भी मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ी सी है ना बिज़ी भी थी, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी,
और अब मुझे लगता है दिवाली के बाद फिर से मैं बैक कम बैक कर लूँगी अच्छा सा, अपने गार्डन में भी और आप लोगों के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।